कानपुर पुलिस मुठभेड़ के मुख्य आरोपी और कुख्यात अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल उठने लगे हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उज्जैन से कानपुर लाते समय पुलिस की कार नहीं पलटी थी, बल्कि विकास दुबे द्वारा राज खोलने के डर से सरकार पर टल जाती। दरअसल गैंगस्टर विकास दुबे को गुरुवार को उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था। उसे यूपी पुलिस की एसटीएफ कानपुर ला रही थी, तभी शुक्रवार सुबह कानपुर के पास एसटीएफ की एक गाड़ी पलट गई और इस दौरान विकास दुबे भागने की कोशिश करने लगा, तभी पुलिस एनकाउंटर में वह मारा गया। देखिए अभिमत एशिया की यह खास रिपोर्ट। विकास दुबे जैसे अपराधी की सजा मौत होती है और मौत होनी भी चाहिए, लेकिन अब सरकार को बताना चाहिए कि जो विकास दुबे अपराधी की गाड़ी पलटी है, ये सरकार को अपनी सरकार को पलटने से बचा लिया है। उसने किस किस अधिकारियों का, किस किस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम लिया है, किन किन बड़े नेताओं का नाम लिया है जिसने उनकी मदद की है, ये भी बताना चाहिए। अब एसटीएफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ बताना चाहिए कि आप 5-6 घंटे उसके साथ रहे, आपने पूछताछ की है, तो किन किन अधिकारियों का, किन किन नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का नाम लिया है। अब तक तो आप समाजवादी पार्टी का आरोप लगा रहे थे, आप बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी के किन किन नेताओं को बचाने की कोशिश हो रही है और किन किन अधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है, ये भी जनता जानना चाहती है। अगर ये अधिकारी और ये नेता आज भी बच जाएंगे तो समझिए आने वाले दिनों में कैसे कैसे अपराधियों को ये पैदा करेंगे। इसलिए विकास दुबे की सजा तो मौत होती है, लेकिन दूसरा विकास दुबे जैसे अपराधी पैदा न हो पाए, इसलिए उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, अधिकारियों का नाम सार्वजनिक कीजिए जिसका नाम उसने बताया है। देखिए हमारे नेता माननीय जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि कार नहीं पलटी है, जो कि सरकार पलटने से उसका एनकाउंटर हुआ, उसके जो कर्म थे, जो उसका काम था, जो उसका अपराध था, उसकी सजा यही हो सकती थी। लेकिन आखिर अब उनका क्या होगा, जो उसके पीछे जो अधिकारी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, मंत्री थे, सांसद थे, विधायक थे, जो उसको पनाह दे रहे थे, जिसकी बदौलत उसने इतना बड़ा हत्याकांड किया, 8-8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया, आखिर वो कैसे जेल जा पाएंगे? वो तो बच गए, उनको तो योगी सरकार ने बचा लिया, क्योंकि अगर वो ढेर नहीं होता तो योगी सरकार ढेर हो जाती। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है, ठीक है अभी ढेर नहीं हुई, योगी सरकार 22 में ढेर होगी, लेकिन अपराधियों को पनाह देना, उसको संरक्षण देना, ये साफ हो गया है कि योगी सरकार का यही काम है।